कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ विवाद अभी निपटा भी नहीं था कि बरेली में जन्माष्टमी की शोभा यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी ने पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्यवाही का आरोप लगाया है। विधायक का आरोप है कि पुलिस प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा और वर्षों से चली आ रही परंपरा को नहीं निभा रहा है। रामपुरा कमन गाँव में वर्षों से जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन इस परंपरा को नहीं होने दिया और जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी। सत्य है, पुलिस और प्रशासन से मैंने भी ये निवेदन किया था कि गांव वालों की जो दधी कानों की झांकी है उसे निकालने दिया जाए। पुलिस और प्रशासन ज़्यादा करे तो जिधर तनाव होने की आशंका थी उधर जुलूस ना जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने अपने मन से ये तय कर लिया कि वहाँ पर पहले जुलूस नहीं निकलता रहा है, ऐसा त्यौहार रजिस्टर में दर्ज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस से और प्रशासन से, जो बहुत ही जानकार है, क्या जो बरेली का गजेटियर है क्या उसमें प्रमुख चीज़ों के अलावा क्या छोटी छोटी परंपराओं के बारे में क्या लिखा हुआ है? जो नाग पंचमी के मेले लगते हैं, जो दधी कांधों के गाँव गाँव में जो झांकियाँ निकलती हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो गाँव में होती, जो आषाढ़ी के जो त्यौहार होता है, क्या वो छोटी छोटी चीज़ें दर्ज हैं? ऐसा दर्ज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस और प्रशासन इस तरीके से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सहयोग करना चाहिए और बजाय इसके कि उनके त्योहारों पर रोक लगा दी जाए, और ये गलत है, मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ। मैंने प्रशासन से लगातार, SDM से, DM साहब से और पुलिस प्रशासन से लगातार अनुरोध किया कि उनका दधी कांधों का जुलूस निकलने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।